अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और मुल्तान और पेशावर का मैच आज ख़त्म हुआ। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की मुल्तान की, जो बैटिंग लाइनअप थी उसने टूर्नामेंट का फ़िलहाल सबसे ज़्यादा टोटल किया 193। और सबके माइंड में यही था कि 193 जो है वो आराम से जो मुल्तान की टीम है वो डिफेंड कर लेगी और ये मैच जीत जाएगी। रिजवान ने फिर एक दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, फिर उसके बाद विंस ने जिस तरीके से बैटिंग की, आई थिंक मज़ा आया उनकी बैटिंग देखने का। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटिंग शॉट्स उन्होंने खेले। उनकी बैटिंग देख के मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मतलब जब छक्का मारना चाहते थे छक्का भी मारते थे, जब सिंगल डबल्स लेना चाहते थे वो भी कर रहे थे। हर तरफ उन्होंने बैटिंग की, हर तरफ उन्होंने छक्के मारे, तो ऐसे भी छक्के लगते हैं। लाजमी नहीं है सिर्फ बल्ले घुमाते जाओ और छक्के लगने होते हैं, अगर आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें तो उसमें भी छक्के लग सकते हैं। फिर उसके बाद शोएब मकसूद ने थोड़े बहुत रन्स किए, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की, छक्के भी कुछ लगाए, चौके भी लगाए। इस तरह करके 193 रन्स का टोटल हुआ। और जिस तरीके से पेशावर जलमी ने बैटिंग की, मैं काफ़ी मैचेस से देख रहा हूँ जो बॉलर्स हैं उनकी जो बॉलिंग है वो अप टू दी मार्क नहीं है। वहाब रियाज बहुत एक्सपेंसिव रहे, इरफान भी रहे, उस तरीके से बॉलिंग नहीं कर सके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विद इन स्टम्प बॉलिंग बहुत कम हो रही है। यॉर्कर्स ऑफ स्टम्प से बाहर यॉर्कर्स बहुत कम हो रहे हैं। यॉर्कर्स का अगर आप रेशो देखें बहुत कम होता है, स्लो वन भी होती हैं लेकिन वो उस लेवल की नहीं हो रही जिस लेवल के ये सब बॉलर्स हैं। तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा नज़र आए जो पेशावर जलमी के जो बॉलर्स थे। लेकिन उसके बाद जब बैटिंग स्टार्ट हुई पेशावर जलमी की, तो फिर मैं एक दफ़ा बोलूँगा कि इमामुल हक जो बैटिंग कर रहे थे उन्होंने 48 रन किए 39 बॉलों पे। ओपनर्स का मतलब क्या होता है कि जब आपने इतना बड़ा टोटल चेज करना होता है तो आपने सर्किल का फ़ायदा उठाना होता है। तो इमाम तो मेरे ख्याल शायद अपने लिए खेल रहे थे, वो टीम के लिए तो मेरे ख्याल उनको उनका शायद दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि जब 12 से ऊपर की एवरेज थी वो उस टाइम भी सिंगल डबल्स कर रहे थे। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि अच्छा हो गया वो आउट हो गए, अगर वो आउट नहीं होते तो पेशावर जलमी की टीम ये मैच कभी भी नहीं जीत सकती है। तो मेहरबानी है टॉम कॉलर की कि उसने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की। फिर उसके बाद जो हैदर अली ने टेंट लगाया है मुल्तान की बॉलर्स को, जो 8 बॉलों पे 24 रन किए हैं, उसने मैच वन साइड करके पेशावर की टीम को जितवाया। पेशावर की टीम में भी आप देख लें जितने जो भी बॉलर्स थे, फास्ट बॉलर्स थे, स्पिनर्स थे, सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे। बॉलिंग का जो रेशो है वो हर मैच में आप देखें इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही, क्योंकि पिच जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट है। अगर यहाँ पे बैट्समैन सेट हो जाता है तो फिर उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसके लिए वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब शाहनवाज धानी ने जिस तरीके से सेकंड लास्ट ओवर में उसको जो रन्स हुए उसको आप देख लें, वो एक नया बच्चा है बिल्कुल, फर्स्ट टाइम वो PSL खेल रहा है। हालांकि आप देखें 90 या 90 प्लस उसने बॉलिंग कर रहा था वो, लेकिन वो बिल्कुल सिर्फ तेज़ बॉल किए जा रहा था और मुंह पे बॉल उस बेचारे की गिर रही। बेचारा इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम वो खेल रहा है, एक गरीब घर का वो लड़का है, सिंध से ताल्लुक़ रखता है। ये वो शाहनवाज धानी है, ये अमरूद वगैरह बेचता था। अब देखें कि अल्लाह ने उसकी किस्मत कितनी अच्छी खोली है कि वो उसके पास पेस भी है, जिसकी वजह से वो PSL की टीम में पिक भी हुआ मुल्तान की टीम में। तो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है वो सीखेगा भी कि किस तरीके से बॉलिंग करनी है। वेरिएशन के साथ बिल्कुल उससे बॉलिंग नहीं हुई। फिर उसके बाद सुहेल तनवीर फिर रन्स हुए, जितने भी बॉलर थे स्पिनर्स थे सबको रन्स हुए। तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग की गई पेशावर जलमी की तरफ से। मेरे ख्याल है ये एक वन ऑफ द बेस्ट मैच आज हुआ और इतना बड़ा टोटल जो चेज हुआ कामरान अकमल की वजह से जो सर्किल है वो बहुत अच्छा गया, क्योंकि आज बड़े टच में नज़र आ रहे थे। लग रहा था कि कामरान अकमल, आपको पता है जब रन्स करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो 100 की तरफ जाएंगे। खैर जितने 40 और 48 रन किए हैं शायद उन्होंने, लेकिन बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे थे। जलमी को यही चाहिए था कामरान अकमल की जो फॉर्म है वो वापस आए। तो आज का मैच पेशावर जलमी के नाम हुआ। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।